नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बीम 300 mm by 500 mm इफेक्टिव साइज, देखो ना इफेक्टिव बोला है मतलब क्या है, स्मॉल बी, स्मॉल बी 300 mm, स्मॉल डी 500 mm, ठीक है, कैरीज अ फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट ऑफ, देखो ना फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट मतलब एम यू क्या है, 175 किलो न्यूटन मीटर, इफ कॉन्क्रीट एम 20 एंड स्टील ग्रेड एफई 500 आर यूज्ड, फाइंड एएसटी। ओके देखो हमें एएसटी फाइंड करना है, क्या क्या गिवन है, एम 20 गिवन है मतलब एफसी क्या तैयार है, एफई 500 मतलब एफवाई तैयार है। अब स्टूडेंट देखो ना हमें फाइंड क्या करना है, एएसटी, बट एएसटी फाइंड करने के लिए, देखो एएसटी फाइंड करने के लिए अब ये जो फॉर्मूला है ना, देख लो स्टूडेंट्स यहां पे ये जो टर्म है ना एमयू, देखो अच्छी तरह से क्या है एमयू, तो अगर गिवन बीम अंडर रेनफोर्स्ड हो, गिवन बीम अगर अंडर रेनफोर्स्ड हो तो हम यहां पे क्या करेंगे, एमयू की वैल्यू पुटअप करेंगे, बट अगर गिवन सेक्शन बैलेंस्ड या फिर ओवर रेनफोर्स्ड हो तो हम यहां पे कौन सी वैल्यू पुटअप करेंगे, एमयू लिमिट की वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ओके सो उसके लिए पहले मैंने एमयू लिमिट फाइंड किया, ठीक है ना, सो देख लो अच्छी तरह से देख लो, स्टेप वन मैंने एमयू लिमिट फाइंड किया, एफई 500 ग्रेड स्टील के लिए एमयू लिमिट का फॉर्मूला ये है, वैल्यू पुटअप किया, एमयू लिमिट फाइंड किया, अब ये जो एमयू लिमिट है ना गिवन एमयू मतलब फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट के साथ कंपेयर किया, चेक करो ना एमयू से एमयू लिमिट ग्रेटर है, ठीक है ना, मतलब एमयू लिमिट से एमयू क्या है लेस, एमयू लिमिट से एमयू क्या है लेस, मतलब बीम क्या है अंडर रेनफोर्स्ड। अब अगर बीम अंडर रेनफोर्स्ड हो स्टूडेंट्स तो इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, एमयू की जगह एक्चुअल एमयू की वैल्यू पुट अप करेंगे, क्लियर ना, समझ में आ रहा है। ओके सो बाकी सब वैल्यू पुट अप करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला जो पार्ट है ना स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे प्रॉपर करना है, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सो कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो और ये आंसर आता है क्या चेक करो, ये मेथड, ये जो एग्जांपल है ना स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में ना स्मॉल कम मार्क के लिए आ सकता है, मतलब 2 मार्क के लिए वगैरह इजीली आ सकता है, ठीक है ना, कंटिन्यू। तो स्टूडेंट्स हमने जो जस्ट एग्जांपल सॉल्व किया था ना सेम क्वेश्चन है, बट यहां पे ना बीम क्या है ओवर रेनफोर्स्ड है, ठीक है, सो देख लो क्वेश्चन, अ बीम 230 mm by 450 mm इफेक्टिव साइज, मतलब स्मॉल बी गिवन है स्मॉल डी गिवन है, कैरीज अ फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट ऑफ मतलब एम यू गिवन है, ठीक है, स्मॉल बी स्मॉल डी एम यू गिवन है, बाकी कॉन्क्रीट एम 20 गिवन है मतलब एफसी के गिवन है, स्टील एफई 500 मतलब एफवाई गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स, हमें यहां पे ना एएसटी फाइंड करना है। ओके अब अगर एएसटी फाइंड करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, देखो एमयू लिमिट फाइंड करेंगे ना स्टूडेंट्स, देख लो अभी यहां पे स्टेप वन एमयू लिमिट, अब एमयू लिमिट का फॉर्मूला इट डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ स्टील, यहां पे एफई 500 ग्रेड स्टील यूज किया है ना, सो फॉर एफई 500 ग्रेड स्टील एमयू लिमिट का फॉर्मूला वैल्यू पुट अप करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट अप करो कैलकुलेशन करो और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो एमयू लिमिट है ना एमयू के साथ कंपेयर करो, देखो ना स्टूडेंट्स अब यहां पे अगर आपने कंपेयर किया ना स्टूडेंट्स तो क्या है, देखो यहां पे एमयू लिमिट लेस देन एमयू, अगर एमयू लिमिट लेस देन एमयू है मतलब बीम क्या है ओवर रेनफोर्स्ड बीम है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बट प्रैक्टिकली ना क्या है ओवर रेनफोर्स्ड बीम नॉट अलाउड, तो इस केस में हम क्या करेंगे बीम को हम एज अ बैलेंस्ड सेक्शन क्या करेंगे एनालाइज करेंगे, कंसेप्ट क्लियर, अगर बीम ओवर रेनफोर्स्ड आए तो याद रखो बीम को हम एज ओवर रेनफोर्स्ड कभी डिजाइन नहीं करेंगे, इसको हम क्या डिजाइन करेंगे एज अ बैलेंस सेक्शन इसको डिजाइन करेंगे। ओके सो इसका मतलब क्या है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी AST का जो फॉर्मूला है ना स्टूडेंट्स, AST का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे MU की जगह MU
लिमिट की वैल्यू पुटअप करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, अब देखो ना यहाँ पे एफ सी के एफ वाई बी डी सब क्या है, न्यूटन एमएम में है, न्यूटन एमएम में है ओके। और यहां पे म्यू लिमिट किलो न्यूटन मीटर में आया है ना, तो पहले इसको हमें न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। और एक बार एमयू की जगह एमयू लिमिट, एंड एमयू लिमिट कंपल्सरी इन टर्म्स ऑफ न्यूटन एमएम, अगर आप ये भूल गए ना स्टूडेंट्स तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है ना। सो याद रखो MU की जगह MU लिमिट एंड MU लिमिट की वैल्यू इन न्यूटन MM, क्लियर ना। वैल्यू पुट अप करो, कैलकुलेशन करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। लास्ट एक बार ओवर एनफोर्स्ड आए तो हम इसको एज अ बैलेंस्ड सेक्शन डिजाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद और एक दूसरा ऑप्शन क्या है, देखो PT लिमिट का जो फॉर्मूला है ना इन टर्म्स ऑफ FCK, वो वाला फॉर्मूला भी आप यहां पे अप्लाई करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट आई थॉट ये जो आंसर है ना ये मोस्ट एक्यूरेट आता है, ठीक है ना, वहां से भी आंसर मिल जाता है, बट ये हमारा आंसर क्या है, मोस्ट एक्यूरेट आंसर है। सो सबसे मोस्ट अभी हम क्या करेंगे AST कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला ही प्रीफर करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट डेप्थ एंड एरिया ऑफ स्टील एट मिड स्पैन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग क्लियर स्पैन 6 मीटर, द बीम इज कैरिंग ऑल इंक्लूसिव लोड 20 kN/m। स्टूडेंट देखो ना, यहां तक पहले सोचेंगे अच्छी तरह से, हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो डेप्थ मतलब ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम मतलब कैपिटल डी फाइंड करना है, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्टील मतलब AST कैलकुलेट करना है, ठीक है। बाकी यहां पे टाइप ऑफ बीम क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका क्लियर स्पैन गिवन है, देखो क्लियर स्पैन गिवन है, हमें जरूरत है इफेक्टिव स्पैन की, ठीक है। उसके बाद ये जो लोड गिवन है ना स्टूडेंट्स प्रॉपरली पढ़ो, ये जो लोड की इंटेंसिटी गिवन है ये क्या है, वर्किंग UDL है, हमें चाहिए फैक्टर्ड UDL, ठीक है ना। वर्किंग UDL गिवन है, क्लियर स्पैन गिवन है, एज्यूम 300 mm बियरिंग्स, बियरिंग मतलब एंड सपोर्ट की विड्थ, एंड सपोर्ट की विड्थ। अब देखो ना क्लियर स्पैन गिवन है, क्लियर स्पैन गिवन है, विड्थ ऑफ द सपोर्ट गिवन है, तो वी कैन कैलक्यूलेट इफेक्टिव स्पैन, ठीक है ओके चलो शुरू करेंगे। उसके बाद मटेरियल M20 गिवन है मतलब FCK 20 N/mm², Fe 500 मतलब Fy 500 N/mm², ओके चलो शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड क्या करना है, देखो हमें यहां पे ना ओके डी कैपिटल डी फाइंड करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। स्मॉल डी तो फाइंड करना पड़ेगा, बट हमें फाइनली किसकी जरूरत है, डेप्थ बोला है ना, तो ओवरऑल डेप्थ फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ स्टील फाइंड करेंगे। गिवन क्या है, देखो गिवन स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर स्पैन गिवन है, ठीक है ना, एंड सपोर्ट जो होता है ना उसकी विड्थ गिवन है, एमएम में गिवन है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। पहले कंसेप्ट देख लो, बीम और ये क्या है एंड सपोर्ट्स, ठीक है ना। अब देखो ना ये जो एंड सपोर्ट है ना इनको छोड़ के जो इनर टू इनर स्पैन होता है ना उसको क्या बोलते हैं, क्लियर स्पैन, ठीक है ना। उसके बाद एंड टू एंड अगर बीम को मेजर किया तो बोलते हैं ओवरऑल स्पैन, क्लियर स्पैन, ओवरऑल स्पैन। बट अगर सपोर्ट का अगर सेंटर टू सेंटर मेजर किया ना उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव स्पैन। तो बोलो स्टूडेंट्स इफेक्टिव स्पैन इक्वल टू ये क्या है, हाफ द विड्थ ऑफ सपोर्ट प्लस क्लियर स्पैन प्लस हाफ द विड्थ ऑफ सपोर्ट, क्लियर ना, ये आगे बहुत बार लगने वाला है, ठीक है ना। इफेक्टिव स्पैन इक्वल टू हाफ विड्थ ऑफ सपोर्ट प्लस क्लियर स्पैन प्लस हाफ विड्थ ऑफ सपोर्ट। सो मैंने यहां पे फॉर्मूला लिखा है, इफेक्टिव स्पैन इक्वल टू हाफ विड्थ ऑफ सपोर्ट प्लस क्लियर स्पैन प्लस हाफ विड्थ ऑफ सपोर्ट। तो देखो स्टूडेंट्स हमें यहां पे इफेक्टिव स्पैन मिल गया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या बोला था क्वेश्चन में ना, वर्किंग UDL गिवन है, विद द हेल्प ऑफ वर्किंग UDL इसको क्या करेंगे, इनटू गामा एफ मतलब पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फैक्टर UDL मिल जाएगा। अब देखो यहां पे इफेक्टिव स्पैन मिला है, फैक्टर UDL मिला है, तो वी कैन कैलकुलेट MD, MD मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस्ड एट द
मिड स्पैन ऑफ द बीम ना, क्योंकि यहाँ पे टाइप ऑफ बीम क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम। यहाँ पे LE तैयार है, WD तैयार है, वी कैन कैलकुलेट MD। समझ में आ रहा है? चलो सिंपल डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे। देख लो इधर, ये क्या है स्टूडेंट्स, अभी गिवन क्वेश्चन मतलब क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू UDL थ्रू आउट, ठीक है ना। LE तैयार है, WD तैयार है, सो हम MD फाइंड करेंगे। MD मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, इसका जो मिड पॉइंट होता है, यहां पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तैयार हो गया ना, उसकी वैल्यू। तो हमारे पास अभी MD तैयार है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो, एक बार MD मिलने के बाद हमें क्या चाहिए, D मतलब ओवरऑल डेप्थ चाहिए। ओवरऑल डेप्थ के लिए पहले इफेक्टिव डेप्थ फाइंड करना है, बट क्वेश्चन में ना स्मॉल बी या फिर स्मॉल डी नॉट गिवन। स्मॉल बी स्मॉल डी कहां पे होता है, MU लिमिट में होता है। तो बेस्ट वे देखो अच्छी तरह से, बेस्ट वे हमें क्या करना पड़ेगा, MD इक्वल टू MU लिमिट इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास MD तो तैयार है। अब MU लिमिट का फॉर्मूला लिखेंगे, यहां पे B एंड D दो अननोन है ना, FC के तो तैयार है, अब B एंड D दो अननोन, एक इक्वेशन दो अननोन, कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, तो हम यहां पे क्या करेंगे, B एंड D का एक रिलेशन अज्यूम करेंगे जो जनरल होता है। कुछ नहीं दिया तो हम क्या अज्यूम करते हैं, विड्थ जो होती है डेप्थ के हाफ होती है, विड्थ हम क्या अज्यूम करते हैं, डेप्थ के हाफ। ओके सो अब देख लो, मैंने यहां पे क्या किया, B इक्वल टू D बाय टू, D बाय टू मतलब 0.5D, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मैंने 0.5D पुट अप किया, ये D square into D मतलब D cube, ओके ना। अब ये वैल्यू तो तैयार है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट देखो ना, अभी ये सब क्या है, न्यूटन एंड MM में है ना, सो MD की वैल्यू पुट अप करते समय यहां पे किलो न्यूटन मीटर है, यहां पे मैं न्यूटन MM में पुट करना पड़ेगा, इंटू 10^6 किया है ना। ओके तो चलो यहां पे हमने D क्यूब कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ D क्यूब, अगर क्यूब रूट ऑन बोथ साइड लिया तो D मिल जाएगा। अब स्टूडेंट देखो ना, विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव डेप्थ हमें ओवरऑल डेप्थ फाइंड करनी है, तो यहां पे हमें किसकी जरूरत है स्टूडेंट्स, इफेक्टिव कवर की ना। सो एक काम करेंगे, देखो एज्यूम इफेक्टिव कवर, एज्यूम इफेक्टिव कवर हम चलो 30 mm एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। अब अगर इफेक्टिव कवर 30 mm है स्टूडेंट्स, तो इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर क्या हो जाएगा, ओवरऑल डेप्थ। ओके देयरफोर ओवरऑल डेप्थ इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर, डायरेक्ट लिखेंगे ना 520 mm। सो ये हमारा क्या है, फर्स्ट आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, एक बार कैपिटल डी मिलने के बाद एक्चुअली हमें यहां पे क्या तैयार है, स्मॉल डी तैयार है। विद द हेल्प ऑफ स्मॉल डी, विद द हेल्प ऑफ स्मॉल डी हम स्मॉल बी फाइंड करेंगे, ठीक है ना। चलो यहां पे बट स्मॉल बी इक्वल टू क्या है, डी बाय टू, तो मैंने स्मॉल बी फाइंड किया। अब स्मॉल बी क्यों फाइंड किया स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें फाइनली एएसटी फाइंड करना है ना। एएसटी का जो फॉर्मूला है, इसमें स्मॉल बी एंड स्मॉल डी दोनों की जरूरत है। That's why मैंने विद द हेल्प ऑफ स्मॉल डी स्मॉल बी कैलकुलेट किया। स्मॉल बी कैलकुलेट करने के बाद मैंने AST का फॉर्मूला यूज किया। बोलो यहां पे 0.5 FC के मतलब 20, FY कितना है 500, ठीक है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MU की वैल्यू हमें यहां पे पुट अप करना है न्यूटन MM में, न्यूटन MM में पुट अप करना है, ठीक है। बाकी सब वैल्यू पुट अप करो और स्टूडेंट्स आपको ना AST की वैल्यू मिल जाएगी 848.6 mm². कंसेप्ट समझ में आ रहा है? देखो स्टूडेंट्स, हमें ना क्या चाहिए, ठीक है ना, और उसके लिए कैसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर हमारे स्टेप सिलेक्ट करना पड़ेगा, सोचना होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वाला एग्जांपल आपको दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके कंटिन्यू।